तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, ये किस्मत के फेर है बेटा, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। वो औरत जिसकी मैं शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसको मैंने इतना बुरा भला कहा, वो हमारे घर की खानदान की बहू बनकर आ गई। शादी का फंक्शन भी कितना थका देने वाला फंक्शन होता है। बिल्कुल, शादी का फंक्शन सिर्फ उस सूरत में अच्छा लगता है कि वो अपनी शादी का हो, है ना? मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि फारिस को उसकी मोहब्बत मिल गई। कितना खुश था ना वो। फिर जमाना मोहब्बत का मिलना बहुत मुश्किल है, मिल जाए तो वो मौजे से कम नहीं। बड़े नसीब की बात होती है कि जिसे चाहे वो आपको हासिल भी हो। अब हमारी तरह फारिस और लाइबा भी खुश नसीबों में शामिल हो जाएंगे। बस मेरी एक और दुआ है, वो कबूल हो जाए, मीना की शादी बाइज्जत तरीके से हो जाए और मैं माँ जी और बाबा से की वो वादा निभा सकूं। हो जाएगी, मीना भी बहुत जल्द अपने घर की हो जाएगी, आप फिक्र ना क्या करें। गुड मॉर्निंग। अब उठ भी जाओ कि यहीं बैठे रहने। कल रात को तुम इतनी अपसेट थी कि मैंने जो कुछ कहा तुमने सुना ही नहीं। वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि ये सफर जो हम दोनों ने मिलकर शुरू किया है इसमें हमारे साथ हारिब भी है और मैंने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया है। तुम सोई नहीं, राइट? सोया तो मैं भी नहीं, बहुत गुस्सा था तुम पर मुझे। लेकिन अब मैं रिलैक्स्ड हूं, बस यही रात तो नहीं आनी ना हमारी जिंदगी में। लाइबा, आप कुछ बोलेंगी? क्या क्या बोलूं? कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरे लिए हो। हेलो लाइबा, 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 तुम रो रही हो? क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। सब ठीक तो है? तुम खुश तो हो ना? हेलो हेलो, किसका फोन था? शेरिका। ओ, तो ये सब हारिब की वजह से हुआ।
अरे लाइबा, इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम जो कहोगी वो करेंगे, चल के हारिफ से मिलाते हैं या उसे यहाँ पर ले आते हैं, एज यू विश। लेकिन उससे पहले चल के नाश्ता करते हैं, सारे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, राइट? स्माइल, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं फ्रेश हूँ। मैंने सोचा है दुल्हा दुल्हन को एक सरप्राइज गिफ्ट दो। मीना, बूझो गिफ्ट क्या होगा? मैं बताऊं? जी जरूर। ये जरूर फारिस और लाइबा के लिए हनीमून का बाहर का टिकट होगा। आपको कैसे पता चला? इस बारे तो मैंने सिर्फ सोचा ही था। बस आपकी सोच मेरे दिल तक पहुंच जाती है। ये फारिस और लाइबा नहीं आया अभी तक। हाँ चलें, आ गए दोनों। लाइबा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लो ना नाश्ता। भाईजान, दिल नहीं कर रहा। लगता है रोमांटिक जोड़ी ने बातें इतनी कर ली हैं कि नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई शेरी। शेरी, कैसे हो? आओ। ये लो नाश्ता। दादी ने सुबह सुबह उठा दिया, बोली कि फटाफट नाश्ता लेके लाइबा की तरफ जाओ, क्योंकि नाश्ता हमेशा लड़की वालों की तरफ से जाता। उसके बाद ना पूछे, ना मैंने गली देखी ना मोहल्ला, बस किस तरह दुकान पे गया, नाश्ता लिया और इधर। भाभी, हलवा पूरी आप खाएंगी? हाँ, मैं लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, आज के दिन सारा परहेज खत्म। अब असद भाई, हारे भाभी, आप भी लेना। नहीं थैंक यू, मैं नहीं खाती। मैं ना तुम्हें दू? शरी, ये मॉडर्न लोग हैं, देसी खाने इनको नहीं पसंद। फिक्र मत करो, हम सब, मैं, फलक, लाइबा, तुम और फारिस मिलकर खत्म कर लेते। न जाने कितने बरसों से ये रस्म है कि नाश्ता मैके से ही आता है, और माँ जी पता नहीं बेचारी कितनी परेशान रही होंगी कि नाश्ता भेजना है लाइबा की ससुराल में। शायद नाश्ता या फिर मैके वालों को देख के दुल्हन के चेहरे पे खुशी आती हो। आनी भी चाहिए, जब किसी लड़की के प्यार भरे रिश्ते छूट जाएं और उसका ताल्लुक किसी और से जुड़ जाए तो अपनों की याद तो आती है ना, और अपनों को देख के खुशी भी होती। अब शेरी, दादी कैसी हैं और मेरा हारिफ? तुम हारिफ की फिक्र बिल्कुल मत करो, और दादी की खिदमत में बिल्कुल तुम्हारी तरह करूंगा, आखिर मैं भी उनका बेटा हूँ। अच्छा चलो, नाश्ता तो शुरू करें। क्या बात है, तो मेरी मौजूदगी के बावजूद अपने आप को आईने में बैठी क्यों देख रही हो? मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें अपना हुस्न नजर आएगा। यही मुस्कुराहट तो मेरी जान ले लेती है। भाई तो भाई, तुम मुझे एक बात बताओ, अभी शादी को दिन कितने हुए हैं कि तुमने पन्ना सवड़ना ही छोड़ दिया? मुझे ये सब बनना सवरना अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे तो लगता है
मेरा दिल चाहता है कि मेरी लाइबा दुनिया की हसीन तरीन लाइबा हो, दुनिया की हर खुशी मेरी लाइबा के पास हो। लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं है फारिस। चमकती मुस्कुराती आंखें नम हो गई। वो सारे मौसम